नमस्कार, सत्श्रीकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फालतू फोकट गेमर्स में। और आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं WWE 2K17। और यहाँ पर कुछ एक स्क्रीन दी हुई है जिसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पहले हम लोगों का जो मेन मैचअप है अभी होने वाला है, 1-on-1 होने वाला है, स्मैकडाउन का हमारा पहला डेब्यू होने वाला है और इस दड़ियल के साथ, तो वो है, वो बताया हुआ है। और किंग खान का ओवरऑल स्कोर है 66, तो अभी हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी है 162,000, तो मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा पॉपुलर रहेगा उतना ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा रहेगा। और हमारे पास अभी 2,27,000 VC है जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेंड कर सकते हैं अपने बाकी उसमें अटायर्स या फिर मूव्स ये सब की तरफ, तो कि हम लोग देखेंगे हम लोग। और हमारे पास रैंकिंग्स है, हम लोगों का ओवरऑल रैंकिंग अभी 5th है। क्या बात है, दो मैच में ही हम लोग 5th आ गए। दो मैच नहीं, मतलब एक तो नॉर्मल मैच था। स्टेटस हमारा न्यूट्रल है क्योंकि हम लोगों ने ना बुराई की तरफ ध्यान दिया ना अच्छाई की तरफ ध्यान दिया। अब यहाँ से हम लोगों की शुरुआत होगी कि हम लोग को एक साइड जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। या तो हम लोग अच्छे लोग अच्छे बन सकते हैं या फिर हम लोग बुरे बन सकते हैं, और ऑब्वियसली हम लोग अच्छे लोग हैं तो हम लोग अच्छाई की तरफ जाएंगे। बाकी अगर कभी कभी मौका मिला तो बुरा काम भी कर लेंगे। एनीवेज, टी शर्ट हम लोगों ने बनाया नहीं है तो सेल्स नहीं आए। पॉल हेमन गाय चैलेंज, ये चैलेंज मेरे ख्याल से बाद में खुलता है, देखते हैं। और करंट टैग पार्टनर अभी तक हमारे पास है नहीं, करंट ट्राइवल भी नहीं है जिससे हम लोगों का पंगा हो गया और हम लोगों ने उसको बहुत मारा और फिर वो अपनी मम्मी को लेकर आया हम लोग के पास और फिर गालियाँ गलौज करने लगी उसकी मम्मी, तो कुत्ते कमीने वो सब, तो वो सब चीज़ है। तो अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर आके एट्रीब्यूट्स चेक कर लेते हैं कुछ। माय करियर ट्यूटोरियल एट्रीब्यूट्स डिक्टेट हाउ स्ट्रॉन्ग अ सुपरस्टार इज, अपग्रेड योर एट्रीब्यूट्स टू रेज योर ओवरऑल रेटिंग एंड बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टार। तो वही ओवरऑल रेटिंग को हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं अपना, तो ये अच्छी बात है। अभी देखते हैं कि हम लोग किस में ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते, यहाँ से हम लोग, ओ हमारे पास तो काफ़ी सारा पॉइंट है, क्यों ना हम लोग सारा डायरेक्ट 2,00,000 पॉइंट चला गया, तो 75 तक इसको अपग्रेड करते हैं। लैग पावर, लैग का भी हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं तो ये लैग पावर भी अपग्रेड कर लेते हैं। हेड की ड्यूरेबिलिटी, हमारा जो खोपड़ी है बहुत जल्दी लाल हो जाता है तो इसके लिए हम लोग थोड़ा स्पेंड कर देते हैं इसमें। बॉडी की ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए हम लोगों को तो उस पर भी चल देते हैं। आर्म की ड्यूरेबिलिटी तो इतनी नहीं चाहिए क्योंकि हर कोई आर्म पे नहीं मारता। लैग भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, मूवमेंट स्पीड बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है मूवमेंट स्पीड आप अगर WWE खेल रहे हैं तो। स्ट्राइक स्पीड भी बढ़ा लेते हैं, काफ़ी सारे पैसे हैं हमारे पास तो उसको थोड़े क्या ध्यान से खर्च करते हैं। ग्रैपल स्पीड भी देख बढ़ा लेते हैं। एजिलिटी मूवमेंट के से ही रिलेटेड है ये सब चीज़। स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं, स्ट्रेंथ फुल तो नहीं करते, मेरे ख्याल से 4,000 काफ़ी रहेगा स्ट्रेंथ में। स्टैमिना भी बढ़ा लेते हैं, स्टैमिना बहुत काम आएगा हम लोगों को। थोड़ा क्या है अच्छे से खर्च कर लेते हैं। स्टैमिना रिकवरी ये भी चाहिए हम लोगों को, डैमेज रिकवरी भी चाहिए हम लोगों को, मोमेंटम भी चाहिए, बेसिकली सारी चीज़ें चाहिए और कुछ टेंशन नहीं है। सब में 4,000 अगर दे देंगे ना तो हम लोग थोड़ा, हम लोगों का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। रनिंग ऑफेंस भी चाहिए क्योंकि हम लोग दौड़ के बहुत मारते हैं। अभी मैं क्या सारे के सारे पॉइंट्स नहीं खर्च करना चाहता, थोड़े बहुत बचा के रखते हैं ताकि हम लोग को और भी अटायर वटायर कुछ खरीद सकें। पावर शमनेशन, एरियल ऑफेंस, रेंज ऑफेंस, फॉरेन ऑब्जेक्ट ऑफेंस, स्ट्राइक रिवर्सल हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। ग्रैपल रिवर्सल, यार पैसे नहीं बच गए, हम लोग को भिखारी हो गया। कोई नहीं, पावर सबमिशन, स्ट्रिंग बोर्ड ऑफेंस, रिवर्सल, उत्तरी, एक मिनट क्या कम कर सकता हूँ मैं, एरियल रिवर्सल थोड़ा कम कर देते हैं और माइक परफॉर्मेंस बढ़ा लेते हैं अपना क्योंकि इससे हम लोगों को आगे चल के बहुत पॉपुलैरिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो बस एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस हम लोगों ने सारी के सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। एबिलिटीज अगर देखेंगे हम लोगों के पास अभी ऑप्शंस है तो कुछ कुछ एबिलिटीज रख सकते हैं हम लोग, लेकिन पैसे नहीं बचे मेरे पास। मूव थीफ नहीं चाहिए, नो। पिन कॉम्बो, डाइविंग पिन, रिंग,
ओके ये सब खुले नहीं है, पहले लेवल वन हम लोग को परचेज करना पड़ेगा। टीम वर्क में अग्रेशन नहीं, रिसीलेंस, टॉन्ट, स्टेयर डाउन, टेक्निकल, दिस एबिलिटी इज ऑलवेज एक्टिव। ओके ये हमेशा एक्टिव रहता है तो इसको रखते हैं हमेशा। एनीवेज तो हमारे पास पैसे नहीं बचे, मुझे पहले खर्च नहीं करना चाहिए था। एनीवेज तो ये सेटअप कर लेते हैं हम लोग। और स्किल्स हम लोग कुछ स्किल्स अलाउ यू टू एलोकेट पावरफुल सिनेरियो स्पेसिफिक मूव्स दैट गेट योर सुपरस्टार ऑन ऑफ पिंच। ओ भाई साहब इसके लिए बचा के रखने थे हम लोगों को। कोई नहीं फिर से कमा लेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। मैनेजर हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन अभी पैसे है नहीं ऑब्वियसली। मैनेजर्स विल बी एट योर साइड ड्यूरिंग योर मैचेस, दे कैन डिस्ट्रैक्ट योर ओपोनेंट। नहीं यार हम लोग गंदे लोग नहीं हैं। तो हॉट हॉट लड़कियों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो करने के लिए। इसके थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, मतलब बाल और कुछ नहीं, सारे की सारी अचीव है। अपीयरेंस यार अपीयरेंस में क्यों गया, अपीयरेंस में हम लोग को ऐसे ही चेंज करना चाहिए। तो मैं अपीयरेंस में नहीं जाऊंगा अभी, ऑलरेडी हमारा रेस्टोरल काफ़ी अच्छा है। तो बैक चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें नई दी है। तो बेसिकली हम लोगों की जो करियर है उसकी शुरुआत हो गई है, हम लोग अपना डेब्यू कर रहे हैं स्मैकडाउन से, जो कि अच्छी बात है। मैं सोच रहा था रॉ के लिए हम लोगों को डेब्यू मिलता तो बहुत अच्छी बात होती, बट एनीवेज ठीक है, स्मैकडाउन भी नॉट अ बैड थिंग। अबे लोड हो, इतना क्या लोडिंग टाइम ले रहा है आज। तो देखते हैं वो तड़ियल जो है उसको हम लोगों को पीटना है, हम लोगों का पहला डेब्यू राइवल। कम ऑन, यस लोड हो रहा है। तो इस मेरे ख्याल से अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब मैं डायरेक्टली इवेंट की तरफ जाता हूँ। एक मिनट रैंकिंग्स देख लेते हैं, कौन टॉप में है अभी, कौन है ऐसा लौंडा जिससे हम लोगों को टक्कर लेनी है। रैंकिंग शो यू हु आर द चैंपियंस एंड वेयर ऑल सुपरस्टार्स रैंकिंग। फ्रॉम द रैंकिंग स्क्रीन यू कैन स्ट्रेटजाइज ओवर विश चैंपियनशिप यू वांट टू गो फॉर, ट्राई टू बिकम अ डबल चैंपियन इफ यू विश। नहीं भाई हम लोग सिंगल है, लोन वुल्फ है हम लोग, तो रुसेव के साथ हम लोगों का पंगा होने वाला है। रुसेव का ओवरऑल 86 है, व्हाट द हेल। सेथ रॉलिंग्स जो है इसकी पिटाई करनी है हम लोगों को US स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए। आई थिंक यस हम लोग US स्टेट चैम्पियनशिप के लिए अभी टारगेट कर रहे हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें यार, टैग टीम चैम्पियनशिप, वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप, ओह बहुत कुछ है इसमें। तो अरे बस चलते हैं रुसेव की सेव पूरी बना लेते हैं हम लोग। वन ऑन वन नॉर्मल मैच है तो एनीवेज एक्सेप्ट करते हैं ये और देखते हैं कि किंग खान आज किस तरीके से पिटाई करने वाला है। स्मैकडाउन सब बड़े बड़े ही दिखाता है, मतलब प्रोमोस। तो ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रोमो स्मैकडाउन का। और फाइनली हम लोगों का डेब्यू एंट्रेंस दिखाने वाला है। आप देखना एंट्रेंस बहुत जबरदस्त है, मतलब उसमें जो कमेंट्री होता है वो। क्या बात है, क्या क्राउड है, एकदम फुल फुल क्राउड है किंग खान को देखने के लिए। सब कुछ सब कोई आए हुए हैं, अच्छी बात है। Sit tight for singles action. Coming up next, we have a real fan favorite in a match for the record books. तो हम लोग डायरेक्ट अपने मैच में नहीं आ सकते क्या? यस तो हम लोग चालू करते हैं अपना मैच। बाकी इन लोग के साथ बहुत सारे लोगों का मैच है आज, वो लोग अपना संभाल लेंगे, हम लोग अपना देखते हैं। Anyways. There he is, King.
getting set for one of the biggest matches of his career. Walking past all the other superstars and मैकमैन को तो ऐसे हाथ दिखा रहा है जैसे जानता है, घंटा पहचानता भी नहीं होगा तुझे. Hold on to your seats. We have singles action coming up next. अच्छा केविन ओवेंस है. We have one of the best talents on the roster to date versus Kevin Owens. This should be awesome. पोज तो देखो अपने लौंडे का, एकदम शाहरुख का पोज है. यस ये देखो एंट्री और लिख क्या रहा है शाहरुख खान. बॉम्बे इंडिया. यस आपने सही सुना, बॉम्बे इंडिया बोला उसने. Superstars look geared up and ready to go. This is what it's all about. Two competitors going head to head to decide which one is truly the best. Rola hai bhai ka. Sorry. मेरे ख्याल से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको अलग अलग एंट्रेंस के मूव्स भी मिलते जाएंगे, बट मुझे कंफर्म नहीं है. डोल्ले देखो डोल्ले. अच्छा किया मैंने इसकी बॉडी बनाई, नहीं तो सुकड़ू बनाता तो लोग बोलते यार क्या बना दिया. वो चड्डी भी अपनी अच्छी है, नीली 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 पीली लाल. केविन ओवेंस तो हमारा पहला राइवल है अभी के लिए, रोल रोल मारते हुए आएगा सिंपल तरीके से. From Maribel, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds, Kevin Owens. Oh boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. Clearly, this SmackDown crowd can't wait for this one to get started. चल आजा बे, कितना टाइम बर्बाद करेगा तू. अरे मैं क्यों बाहर खड़ा हूँ ड्रिंक के, क्या कर रहा है शाहरुख, टहल क्यों रहा है तू. बकवास होगा लगता है दोनों के बीच. अभी भी लग रहा है मुझे कि बॉडी बढ़ानी चाहिए उसकी. Yes, अपना फेवरेट शॉट. This is the type of battle that you can show someone who's new to our brand of entertainment and say, this is what. पकड़ा पकड़ी बहुत खेलता है शाहरुख अपना. Yeah, and social media has been on fire ahead of this one, but now it's time to get down to business. It's चल उसके पैर को. Well, I know one thing, guys. When Kevin Owens steps in, a power. There's the same. Yes. तो हम लोग जा रहे हैं उसके पीठ के लिए. Is it clear yet that Kevin Owens has his mind right at this point in the match? सर पे पड़ी उसके. Kevin Owens has been no nonsense from the start of yes. this match. That's just oh, the way he plays the game, Michael. No le sale reversal. No questions asked. Le. Another quiet day at the office, right, Cole? Nah. Oh, teri. Reverse mara. Reversal mara. और हम लोग late हुए reversal मारने के लिए. और एक और. यस हम लोगों ने रिवर्सल कर दिया है उसका. शिट मैं क्या यार क्या किया उसने, उसने कुछ किया जिससे हम लोगों का वो छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं. आजा बेटा आजा बेटा, इतने से हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला. क्या कर रहा तू, फिनिशर मार रहा है क्या इतने जल्दी. ओ तेरी यार, आरटी लिख के नहीं आता प्रॉपर तरीके से. कोई नहीं कोई नहीं, अभी भी जीत सकते हैं हम लोग. अबे वहाँ से कूदना मत, वहाँ से कूदना मत, मेरी मेरा पिछवाड़ा टूट जाएगा. भागते भागते यहाँ से, भाग भाग भाग. यस यस ले बेटा. धोबी पटका पछाड़ दिया है, स्लैम. अब तो हम लोग मार पाएंगे खुद. यस तो उसके सर पे पड़ी
ओ भागो ओ ले टुल्ली में शॉट ले ए ले नीचे ही रह बेटा तू बचना है सीनों में आ गया ओ शिट makes him incredibly difficult to game plan for. Oh shit, nahi. Yaar, kya kar raha hai bhai tu? Anyways, hamare sare match ki shuruaat aisi hoti hai. Oh, too fast ho gaya. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Le. Acha, acha. Mar sale ko. यस पकड़ा हम लोगों ने और ये अपना सारे अपने फेवरेट शॉट पड़ रहे हैं उसको ओके क्लोज लाइन ऐसे मारते हैं ओके यस तो अभी तक एक भी उसका बॉडी पार्ट लाल नहीं हुआ एक आज फिनिशर है हमारे पास उसे रिवर्सल कर दिया फिर मारेगा हम लोगों को कुत्ते टाइप यस बच गए हम लोग एक बार तो बच गए आधा तो रिवर्सल मारने के चक्कर में ओह शिट हम लोगों की बॉडी की लग गई है पता है अभी फिलहाल के लिए लेकिन हम लोगों को जीतना है कैसे भी करके जीतना है ये हमारा डेब्यू है और डेब्यू में मैं हारना नहीं चाहता ओह तेरी लेट ही लेट हो रहा है क्या हो रहा है आज मुझे आर टी प्रेस क्यों नहीं हो रहा है मेरा टू लेट शिट नहीं ओ तेरे कम ऑन इसको रिवर्सल करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में यस ले बेटा अब बोल बिच ओ तेरे ओ बच गए भागो नहीं भागो नहीं पकड़ सकता तू अब लोगों को ले बेटा और ये धोबी पटका फिर से यस हम लोगों के उसको बहुत डैमेज हुई है एक्चुअली बॉडी को येलो हो गया डर्टी फेलो हो गया पूरा चल पकड़ यस प्यार की थपकी ओ तेरे क्या कर रहा है तू शिट ओ शिट अब हम लोग गए अब तो गए हम लोग ओ शिट सारा चीज मिस हो रहा है आज क्या घटिया दिन है कम ऑन इसको रिवर्सल नहीं किया तो हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे ले बेटा नीचे रहे अब चार्ज फिनिशर हम लोग मारने वाले हैं उसको यस स्टे डाउन बिच यस जो भी स्लैम है बहुत अच्छा स्लैम था ये और उसका रिप्ले भी दिखाया इतना अच्छा शॉट था हमारा धोबी पटका वर्जन 2 था ये कैन वी सी इट वन मोर टाइम यस यू विल सून ओ तेरी कम ऑन तो इसकी मुंडी हम लोगों को फोड़नी है कम ऑन ये पड़ जाए ना तो लाल हो जाएगा उसका यस आ जा बेटा और हम लोग अपना थोड़ा फिनिशर रिकवर कर लेते हैं स्टैमिना रिकवर कर लेते हैं हम लोग कम ऑन यस कहाँ भग रही है तू ले ओह शिट रिवर्सल दे दिया उसने शिट पकड़ लिया उसने और क्या कर रहा है मेरे बाल बना रहा है तू बाल बना रहा है हमारे वो ऑलरेडी बने हुए बाल है हमारे कम ऑन यार क्यों मिस हुआ शिट मेरा ही शॉट उसने मार दिया मुझे शिट
सबमिशन फेज में मत चले जाए। कम ऑन शाहरुख, यू कैन डू इट। अभी भी हम लोगों के पास चांस है, एक आध अगर हम लोगों ने वो किया। कम ऑन, यस यस, कम ऑन, फिनिशर दिया था ना अभी। यस, अब आ जा बेटा, अब तू गया, अब तो तू किसी भी हालत में नहीं बचेगा। हमारी जो लाइफ है वो लाल हो गई है, अगर ये पड़ गया तो फिर हम लोग पिन कर सकते हैं उसको। यस, पड़ गया, फिर से रिप्ले। शाहरुख खान, इसका चेहरा सुधारना पड़ेगा मुझे। कम ऑन कम ऑन, अब पिन कर भाई, तू पिन कर, इधर उधर रोल मारने की जरूरत नहीं है। कम ऑन कम ऑन, यस। तो फाइनली हम लोगों ने पहला मैच जो है अपना स्मैकडाउन का वो जीत लिया है बाय पिनफॉल। बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे लिए तो फिलहाल। मुझे आखिरी आखिरी में लगने लग गया था कि भाई हम लोग नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो जो रिवर्सल था काफी अच्छा था, वो रिवर्सल, उस रिवर्सल का ही पूरा खेल था। तो ये आप रिप्ले देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया है। यस, ऐसे ब्रेकआउट क्या है भाई ऐसे। अच्छा ओके, तो हम लोग उसको और मार सकते हैं, लेकिन नहीं मारेंगे हम लोग। असल This is the confrontation we've all been waiting for. This is what makes him one of the best in the business. Oh, ab sale best bolne lag gaye commentators. Ek aur, yes. Ek aur finisher. Chal. This match has taken so much out of this guy. He's not going to give up. But man, this has been physical. Yes. This guy's dangerous in and out of the ring, and it looks like he wants to prove just that. तो उसको बेचारे को गिरने के बाद भी हम लोगों ने धो दिया। एक्चुअली हम लोग को नहीं करना चाहिए था वो। डिसरेस्पेक्टफुल हो गए हम लोग उसकी तरफ से। शिट, इसीलिए बोलते हैं कोई भी बटन दिखाता है तो नहीं बताना चाहिए। एनीवेज, तो हम लोग को वीसी मिला है 10,400 और पॉपुलैरिटी हम लोग की बढ़ी है 5,800 की। अपना जो मैच था एवरेज स्कोर था, लेकिन ग्रेट था फिर भी से। एनीवेज, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि हमारा क्या है। अथॉरिटी चैलेंज कंप्लीटेड, परफॉर्म टू फिनिशर ड्यूरिंग मैच। ओ बहुत सही, 100 रुपये मिले उसके। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ऐसी पंगा लेने से राइवलरी स्टार्ट होती है। Singles action coming your way. We have a real fan favorite versus a formidable opponent. Okay, तो हमारा एक भी मैच नहीं है, ये हम लोगों ने जीत लिया है। Anyways, so accept कर लेते हैं। बहुत सारे लोग डिफीट हो गए यार, और मेरे ख्याल से रैंकिंग्स अभी अपनी बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे करके रैंकिंग बढ़ेगी। तो मेन इवेंट में क्या है, वन ऑन वन मैच है। ओ डायरेक्ट वो बंदा जो सबसे पहले दिखाया था उसके साथ ही हम लोगों का पंगा होने वाला है। तो एनीवेज दोस्तों, मुझे लगता है कि ये पार्ट मुझे यहीं पे समाप्त करना चाहिए, और जिस बंदे को शुरुआत में दिखाया था जीतते हुए, उसी के साथ हम लोगों का पंगा होने वाला है। और हमारी जो ओवरऑल रेटिंग है वो बढ़ गई है, 66 थी पहले और 77 हो गई है अभी। सही बात है, और एक्साइटमेंट मल्टीप्लायर भी हॉट है, क्या बात है, सही है। रैंकिंग अभी भी हम लोगों की बढ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग शायद इस बंदे को नहीं हराएंगे तब तक हम लोगों की रैंकिंग नहीं बढ़ेगी। और अलाइज एंड राइवल्स हमारे पास कुछ नहीं है। तो एनीवेज दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए। मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को मज़ा आए। मैं कोशिश करूँगा कि बड़े बड़े वीडियोज़ बनाऊँ इसका, लेकिन ये क्या थोड़ा पावरफुल क्या बोलते हैं CPU इंटेंसिव गेम है, तो इसलिए मुझे थोड़ा छोटा छोटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि हम लोगों का रिकॉर्डिंग जो है लॉस में ना जाए। बट है वैसे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए। अगर आप
डर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वैसे दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये पार्ट देखने के लिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।